हाय, आज हम बनाएंगे कैबेज की रोटी। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले 1 कप कैबेज को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में इसका पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबलस्पून करी लीव्स जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, थोड़े अजवाइन मैंने लिए हैं 1/2 टेबल स्पून, कैरम सीड्स 1/4 टेबल स्पून, हल्दी ये ऑप्शनल है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। आप अगर ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहते हैं तो ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक बार मिला लेंगे। मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, बड़े वाले बाउल में। अब इसमें हम व्हीट फ्लोर डालेंगे 2 कप्स। आप इसको बिना वाटर के ही डो बनाने की कोशिश कीजिए। पूरे मिलाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए, अगर ज़रूरत हो तो ही डालिएगा वाटर, रोटी के डो के जैसे मिला लेंगे। डो मैंने बना लिया है। अब फिर से इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल लिया है। फिर से इसको एक बार गूंद लेंगे और 20 मिनट्स के लिए किचन प्लेटफॉर्म पर ही रख लेंगे कवर करके। 20 मिनट्स के बाद हम इसे छोटा सा डम्पलिंग लेंगे और रोटी की तरह हम बेल लेंगे, रोटी के जितना ही पतला। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें प्लेस कर लेंगे अपना रोटी। थोड़े से इसको बबल्स आने दीजिए, 1/2 मिनट लगेगा। जब इस तरह से थोड़े से बबल दिखने लगे हम टर्न कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम 20 सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो घी या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरफ भी हम इसी तरह बटर अप्लाई कर लेंगे। बन गया हमारा सिंपल कैबेज की रोटी। इस तरह सर्व कर लेंगे। बन गए हमारा रोटी। देखिए, अपने फेवरेट चटनी या फिर अचार के साथ खा सकते हैं या फिर प्लेन योगर्ट के साथ खा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको सॉस के साथ दीजिए, टोमेटो केचप के साथ ज़रूर पसंद करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्युएबल कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।